इसके प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। देवतालाब विधानसभा के बीएसपी प्रत्याशी अमरनाथ का प्रचार कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। उनको लगता है समीकरण उनके हित में है। साफ तौर से पिछले बार की बात की जाए तो यहां पर इस पार्टी के प्रत्याशी ने 1000 मतों से पीछे रह गया था विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ। इस बार बीएसपी का पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से है, यहां पर बीएसपी ने अपने नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। उनको लग रहा है उनके मुकाबले कोई नहीं है, उनकी टक्कर केवल और केवल उनसे है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। इस बार देवतालाब जनता बहुत उत्साहित है, बहुत बहुत हर वर्ग के लोग बहुत उत्साहित हैं। उनको लग रहा है कि इन दोनों को हटा के क्षेत्रीय प्रत्याशी चुने, क्षेत्रवाद की बात चल रही है और विकास के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कोई विकास नहीं किए। खासतौर पर जो प्रेजेंट में सरकार बैठी है यहाँ गरीब बस्ती में, आज पूरे विधान से 200 ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, हैंडपम्प 200-300 खराब पड़े हैं, स्कूलों की हालत देखिए आप। तो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के लिए रोजगार। यहाँ छोटी फैक्ट्री खोल के मैं गरीबों को रोजगार दूंगा। आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष उनके कोई ऐसे काम हैं जो क्षेत्र में आपको ऐसा लगता है उन्हें किए और ये काम आपको करना है चुनाव चाहिए? वो कोई ऐसा काम नहीं किए क्षेत्र में, कोई क्या लगता है कौन सा आपको करना चाहिए काम? हमें जैसे यहाँ पे शिक्षा, आज यहाँ की आप विद्यालय में देखिए, आज यहाँ की विद्यालय में ये हालत है वही पुरानी हालत है। यहाँ कंप्यूटर नहीं है, टॉयलेट देखिए, लेटरिन बाथरूम देखिए, सफाई देखिए, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, हालत देखिए, बहुत हालत ख़राब है। मेरा शिक्षा बहुत बड़ा फोकस रहेगा शिक्षा पे। दूसरा, यहाँ पे जो गरीब हैं ये सब बाहर काम करने जाते हैं, इनके लिए हमें छोटी फैक्ट्री खोल के इन गरीबों को रोज़गार दूंगा। विधानसभा देवतालाब जिसके नाम पर बनी हुई है, शिव मंदिर पे भारी भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों रुपए के बंदरबाट की, क्या लगता है कि जो विकास कार्यों के लिए आया था वो बंदरबाट हो गया? बहुत हर मामले में क्या कितना बताएं, बहुत बंदरबाट हर मामले में। यहाँ की रोडें देखिए, मतलब उसी रोड को बार बार बनवा रहे। अगर मेरी सरकार आती है, मैं विधायक बनता हूँ, इनके रोड की जाँच भी करवाऊँगा, इनसे सभी इनके कार्यों की जाँच भी करवाऊँगा। पिछले बार भी आप दूसरे पोजीशन में थे, फाइट में थे, इसके पहले भी दो बार यहाँ से विधायक चुने जा चुके जी। इस बार कितना अच्छा मौका है? इस बार मेरा सुनहरा मौसम है और इस मौके पे मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी से किसी पार्टी का टक्कर नहीं है। इस बार बसपा 1,00,000 वोट पाके भोपाल पहुंचेगी। आपको जो लोग इस समय टीवी में देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे यह कहना चाहते हैं कि मुझे बहन जी ने आशीर्वाद जो दिया है, तो देवतालाब विधानसभा की एक एक जनता अपने आप को प्रत्याशी माने कि मैं विधानसभा प्रत्याशी हूं और जीतने के बाद भी अपने आप को प्रत्याशी मानेंगे, ये मेरे जनता से अपील है। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।